एक केस जाएगा तो एक ही केस जाएगा, चार आदमी मरा, चार आदमी का केस नहीं जाएगा। धनबाद के बागबारा बेनीडी गोलीकांड में मारे गए ग्रामीणों की पत्नियों ने एक बार फिर पुलिस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। घटना के 40वें दिन मृतकों की तीन विधवा घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए। कोयला चोरों के गैंग से साठगांठ के भी आरोप लगाए। सवाल किया कि पुलिस ने केवल CISF पर ही मुकदमा क्यों दर्ज किया, अवैध कोयला मंडी चलाने वालों को क्यों छोड़ दिया गया। मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी, शहजादा अंसारी की पत्नी रोजी खातून और शमीम अंसारी की पत्नी उम्मे कुलसुम बच्चों के साथ घटना स्थल पर मौजूद थी। चौथे मृतक के परिवार पर पैसे लेकर चुप रहने का आरोप भी लगाया। वो सब गुरुवार को साइट पहुंचकर अधिकारी को खोज रही थी लेकिन कोई नहीं मिला। उनका कहना था कि मेरे पति लोग चोर नहीं थे, अवैध कोयला चोरी का विरोध कर रहे थे, इसीलिए साजिश के तहत अवैध कोयला डिपो संचालक राजेश यादव, मुन्ना यादव और गोपाल महतो ने साजिश कर उन्हें गोली मरवाया। गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि थाने में जो आवेदन दिया गया था उसे बदल दिया गया है और अवैध कोयला मंडी चलाने वाले लोगों को छोड़ दिया गया। उनका कहना था कि अगर उन लोगों को न्याय नहीं मिला तो बच्चों के साथ घटना स्थल पर ही आत्मदाह कर लेंगे। उनकी मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा मिले, उनके भरण पोषण के तौर पर 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। तुम अपना करो, तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हम छोटा बच्चा लेके कहाँ जाए, क्या चीज करे बताइए। मेरा कोई सहारा नहीं है, वही मेरा सहारा था। कुछ भी करके तो हमको खिलाते ना, हम कहाँ जाए बताइए। छोटा बच्चा लेकर क्या करें। नहीं, हम लोग को उस जगह जाने नहीं दिया, नहीं जाने। हम लोग को बतेवा नहीं किया कि वहाँ का DIG कौन है, वहाँ के मेन कौन है, अधिकारी है। उसके बाद बड़ा बाबू हम लोग को इन्वॉल्व नहीं करने दिए, हम लोग कैसे जानेंगे कौन है क्या है। नहीं तो वो तो बता तो सकते थे। अपना अपना सब आवेदन दिया तो मेरा ही आवेदन में सबका साइन उन करवा दिए कि एक केस जाएगा तो एक ही केस जाएगा, चार आदमी मरा, चार आदमी का केस नहीं जाएगा। मेरे ही नाम पे मैं हम केस करने आई हूँ, हम ही हैं और सबका साइन मेरा ही केस पे करवा दिया गया। क्या पता कि इसमें गवाही इन लोग देगा कि नहीं देगा। सब अपना अपना मोटिवेशन ले लेकर अलग हो जाएगा तो पता है हम अकेले लड़ पाएंगे, इस पे लड़ पाएंगे अकेले। मेरा केस ऐसे झूठा साबित करा देगा। घटना के बाद पुलिस ने भरोसा दिया था कि उनके साथ न्याय होगा लेकिन पुलिस ने छल कर दिया और केवल CISF के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अवैध कोयला डिपो चलाने वालों को बचा लिया। विधवाओं का ये भी आरोप था कि वो ग्रामीण SP से भी मुलाकात की लेकिन उन्हें झूठा आश्वासन ही मिला। आरोप लगाया कि चौथे मृतक के परिजनों को मुंह बंद करने के लिए रुपया दिए गए हैं। केस करने में भी खेल कर दिया गया है। दोहराया कि उनके पति लोग कोयला चोर नहीं थे, कोयला चोरी का विरोध कर रहे थे, इसी कारण उनकी हत्या कर दी गई। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।